अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान, तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद। आप देखिएगा, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू पाकिस्तानी हैं उनके मामलात से है। कुछ उम्मीद अफजा बातें भी हैं, कुछ मामलात हैं जो तय करने वाले हैं, इसको हम टेकअप करेंगे। पाकिस्तानी हिंदुओं के क्या मामलात हैं नाज़रीन, हमने एक डेलीगेशन से बात की जिसके अंदर हारून सरफ दयाल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट, जयप्रकाश मरानी साहब जो सदर हैं हैदराबाद प्रेस क्लब के, रुमाना बशीर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, कृष्ण शर्मा चेयरमैन रीट नेटवर्क पाकिस्तान, एडवोकेट एम प्रकाश जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट हिंदू पंचायत हैदराबाद। मामला सिर्फ हिंदू मैरिज बिल का नहीं है, इसके साथ कुछ और भी मामलात जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने बात का आगाज किया उनसे ये पूछ के कि हिंदू मैरिज बिल जो कि मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हिंदुओं की शादियां पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होती हैं रियासत के साथ, इस वक्त किस स्टेज पर है? जो इसका करंट स्टेटस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है ये इस वक्त केस जो है हमारा जो है नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और जो कि अपने मुख्तलिफ मराहिल तय कर चुके हैं और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से भी पास होकर अब जो है ना उसके पास है, हमारे पास ये स्टैंडिंग कमेटी के पास। जयप्रकाश साहब, स्टैंडिंग कमेटी के पास है तो पास हो जाएगा कहा जा सकता है? उम्मीद की जा सकती है। एक्चुअली इशू ये हुआ है कि 18th अमेंडमेंट के बाद क्योंकि माइनॉरिटीज जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गई हैं, तो इस वजह से इस वक्त जो है दो जगह पे ये काम हो रहा है। एक जो बिल है वो सिंध असेंबली में पेश किया हुआ है, उसके लिए जो है वो अभी लॉ मिनिस्ट्री के पास उसको पड़ा हुआ है, और दूसरा बिल जो है वो सेनेट कौमी असेंबली में जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो अब प्रोविजन ये है कि अगर कोई नेशनल असेंबली से ये बिल पास होता है तो फिर सिर्फ कैपिटल टेरिटरी और फाटा पे उसकी एप्लीकेशन होगी और चारों सूबों में नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन ये भी है कि अगर किसी प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे नेशनल असेंबली कोई लेजिस्लेशन करना चाह रही है तो एक या दो प्रोविंस से अगर कोई रेजोल्यूशन आ जाता है तो फिर वो जो नेशनल असेंबली से जो लेजिस्लेशन होगी वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होगी। और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू में जो पर्सनल लॉज हैं वो पंजाब में किसी और तरीके के हों और सिंध में किसी और तरीके के हों और उसमें आपस में क्लैश हो, क्योंकि बॉर्डर्स भी मिलते हैं और एक दूसरे में शादियां भी होती हैं। तो अगर नेशनल असेंबली से ये बिल पास हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि अब हमें पॉलिटिकल विल भी नजर आई है जो इतने दिन बदकिस्मती से नहीं नजर आई, तो ये पास हो जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंध का मुसवदा है और जो स्टैंडिंग कमेटी के पास मरकज में मौजूद है, इसमें तो कोई तफावत नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, ब्रॉडर कंसल्टेशन। लेकिन अगर इकट्ठे पास हो तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर है? बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। रुमाना साहब, क्यों जरूरी है एक हिंदू मैरिज बिल? लोग कह सकते हैं कि इतने अरसे आपने यहाँ पे गुजारा है तो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट तो होगा। आप हमें बता रहे थे कि एक यूनियन काउंसिल से आपको कोई आर्जी खत भी मिल जाता है, कोई रिकॉर्ड भी मिल जाता है, उससे काम चल जाता है, आईडी कार्ड बन जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, तो बिल क्यों जरूरी? इसलिए जरूरी है कि एक तो जो सोशल सारी जरूरत है ये उसको भी पूरा करता है, यानी क्या सोशल? एक एक शादीशुदा जो कपल है उसके पास एक पीस ऑफ पेपर तो होना चाहिए जिससे वो ये बता सके कि हम मिस्टर और मिसेस हैं। तो वो यूनियन काउंसिल ने दिया हुआ है, आपको लोग कह सकते हैं? यूनियन काउंसिल का ये टेम्परेरी एक हल है जो तजवीज किया गया है, ये सॉलिड हल नहीं है। दूसरा ये है कि एक अगर लॉ मौजूद होगा तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं सोसाइटी में जो एक कम्युनिटी को पेश आती हैं वो नहीं आ सकेगी। क्या दिक्कत पेश आती? मेरे ख्याल में ये है कि जब ये कोई एविडेंस नहीं है ना शादी का, तो ये एक रास्ता हमवार करता है फोर्स कन्वर्जन का, फोर्स मैरिजेस का। ठीक। और ये जो इशू है ये एक माइनॉरिटी इशू नहीं है, ये हमारा सोशल इशू, नेशनल इशू उस वक्त बन जाता है जब रिलीजन की बुनियाद पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं और वो इस बात पर एक दूसरे से लड़ खड़े हो जाते हैं कि हमारी रिलीजियस राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए, हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं। और मैं बहुत बड़ा ये समझती हूँ कि ये हमारा पीस इशू बन जाता है हमारी सोसाइटी का कि लोग रिलीजन की बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तानी नेशन जो है वो भी डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और स्पेशली इस वायलेशन की वजह से कि अगर लॉ नहीं है, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो सोशल राइट है बीइंग एज अ पर्सन एज अ सिटीजन इक्वल राइट्स की जो बात है वो भी वायलेशन। अभी आप रजिस्टर्ड नहीं होते ना एज कपल्स, तो हर लेवल पर देखें कितने तो आपका निकाह कैसे होता है, तो फिर कौन पढ़ाता है और उसकी वक्त क्या होती है? उसकी मजहबी वक्त तो होती होगी, उसकी रियासत की वक्त आप फरमाइए। सर, इसमें हमारा जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें जो पाकिस्तान में हम तकरीबन कोई
पाकिस्तान की सेंसस कहती है कि हम 3.4 मिलियन हिंदूज हैं, लेकिन जो गैर सरकारी जराए हैं वो 7 मिलियन की बात करते हैं। ठीक, लेकिन तो आपका फिगर 7 मिलियन के जी जी, और उसमें मेजॉरिटी 92% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनकी एक्सेस रजिस्ट्रेशन तक है ही नहीं। तो हम समझते हैं कि बहसियत शहरी हमारा निकाह या जो हमारी शादी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो पंडित प्रोहत हमारे हैं जो ये काम करते हैं उनको रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है कि उनके सर्टिफिकेट को यूनियन काउंसिल कबूल करे, नादरा कबूल करे, ताकि हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जो स्टेटस सिटीजनशिप का एक होता है ना, वो एक सेंस ऑफ स्टेटस है। तो आपके पंडित जो है वो बतौर रजिस्टर्ड निकाह ख्वान नहीं है? नहीं है, नतीजे में वो जस्ट एक पढ़ा के अपना रस्म पूरा कर देता है, उसके बाद जो मामलात होते हैं। देखें आप, हिंदू मैरिज बिल्कुल सिर्फ शादी से ना जुड़े, शादी के बाद की जो लाइफ है उसमें आप पहले पहले ये कहें कि भाई औरत को ये हक कम से कम इस गारंटी से मिल जाता है कि ये इसकी बीवी है, ठीक, और अगर साथ रहना चाहती है तो ठीक, नहीं रहना चाहती तो उसके पास एक ऑप्शन वो लीगल डॉक्यूमेंट आपको देता है, एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ फोर्स कन्वर्जन होती है सिंध में, कोई मर्द शादीशुदा मर्द अगर मजहब तब्दील करता है तो उसके बाद जो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं, निकाह टूट जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ एज का मसला है, हम मतलब 18 साल हमारे सिंध में तो कानून पास हो चुका है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली तो ये मजहबी भी पार्ट लिया गया। ठीक, देखिए हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी है, हमारी पंचायत है, उन सब ने मिलकर एक यूनिफॉर्म हमने एक बिल पेश किया है। वो न सिर्फ नेशनल असेंबली में गया है बल्कि उस सिंध असेंबली में लॉ मिनिस्ट्री ने पास भी कर, मतलब क्लियर भी कर दिया है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 67 में कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी नहीं हुई, और उन्होंने डायरेक्शंस भी दे दी हैं कि इनकी बहुत ज़रूरत है, इनके बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके मेंटेनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, इनके बच्चों की कस्टडी का प्रॉब्लम होता है, इनके जो इनहेरिटेंस है उसका भी प्रॉब्लम है। तो हमने सब मिला के इस मैरिज बिल में रजिस्टर भी होगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनके रजिस्ट्रार भी होंगे, और दूसरे मेंटेनेंस का भी मसला हल होगा, इनहेरिटेंस का मसला होगा, अगर कहीं डिवोर्स होता है तो लड़की को शादी का हक भी मिल जाएगा। तो ये हाथी निकल गया, दुम रह गई, या सिर्फ दुम है अभी हाथी पीछे और बड़े मसाइल हैं? आपके साथ देखते हैं, सिर्फ मैरिज बिल का इशू तो नहीं है, सोशल इंटीग्रेशन का भी इशू है, रियासत ने ओन करना है, मुआशी तौर पर अपॉर्चुनिटीज का मामला है, जो कमीशन बने हुए हैं उसमें नुमाइंदगी का मामला है, एक मामला तो नहीं है? देखा जाए तो इसको तरतीब देने में न सिर्फ यह कि इसमें लायर्स का हाथ है, बल्कि हमने अपना मजहबी रहनुमा होने के हैसियत से हमने मजहबी इनपुट इसको दिया, हमारी इसके साथ जो रिलीजियस राइट्स हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। और अगर आप ये देखा जाए तो वो राइट्स जो हमारे नेशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ICCPR के हैं या यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के जरिए, उनकी तमाम की अमली सूरत हाल वो इसी से पैदा होगी कि तब जब ये बन जाएगा। ये मामला क्यों नहीं उठाया जाता प्रेस के अंदर, ये डिबेट क्यों नहीं बन पाती? सियासी जमातें तो सारे, अभी वजीर आजम साहब ने भी दिवाली के ऊपर, और हमने देखा तलक लगा रहे थे बिलावल भुट्टो साहब भी, और गाहे बगाहे ये बात होती रहती है, कंसिस्टेंटली डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं है आपके साथ? बदकिस्मत ये मुझे ये महसूस होता है कि क्योंकि एक तो एक मखसूस नशस्तें कर दी गई हैं मिनोरिटीज के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो जब कभी इस किस्म का इशू रेज होता है तो ये कहा जाता है कि उनके पास जाएं, लेकिन जब लेजिस्लेशन की बात आती है तो 10-11 MNAs साथ मिलके, क्योंकि वो एक तो वो डिफरेंट पार्टीज से आते हैं, लेकिन वो साथ मिलके भी 10-11 लोग कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये बेसिकली मेजॉरिटीज और पार्टीज और जो हुकूमत में पार्टीज आती हैं उनका इशू है, और अब मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी इससे पहले उनकी कोई पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती थी, और मेजॉरिटी की जब पॉलिटिकल विल नहीं होती या मेजॉरिटी की जब प्रायोरिटी नहीं होती तो फिर माइनॉरिटीज़ कितना भी कहें कितना भी बोले वो फिर किसी कॉन्क्रीट शक्ल में सामने नहीं आता। बार बार मैं इस पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि इसको सिर्फ माइनॉरिटी इशू ना देखा जाए, ये हमारा नेशनल इशू है, और आइसोलेशन में जब भी हम इश्यूज़ को देखते हैं और उनको हम मजहब की ऐनक पहन के देखते हैं तो वो इशू इटसेल्फ कमज़ोर हो जाते हैं, और वो जो कम्युनिटी स्पेसिफिक उससे रिलेटेड होती है वो बहुत पीछे चली जाती है, और उसको हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के उस तनाजुर में जब लेकर आते हैं तो फिर ये कहना पड़ जाता है कि इसको नेशनल इशू बनाएं और इसको मेजॉरिटी का इशू बनाएं, क्योंकि इससे जो हमारी जो सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचता है हम उससे बचें,
और इसको नेशनल इशू के तौर पर लेकर इसको नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल विल अगर के मैं साथ इसी नुक्ते को आपसे पूछ पाऊं कि अगर आपको रियासत पाकिस्तान को फवायद गिनवाने हो वो तमाम काम करने को जो उसको वैसे भी करने चाहिए लेकिन नहीं कर पा रही तो वो क्या फवायद होंगे इन तमाम मामलों को हल करने से क्या फायदे होंगे पाकिस्तान की रियासत को पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान की मौशरत को। देखिए रियासत शफीक माँ की तरह होती है और उसके औलाद या उसमें उसके साथ जुड़े हुए जो भी लोग उस मुल्क के शहरी हैं उनकी तामीर और तरक्की उनकी खुशहाली मेरे ख्याल में रियासत की खुशहाली तस्वर की जाती है और इस किस्म के कानून बनाने से मेरे ख्याल में रियासत को ये मौका मिलेगा कि वो अपने शहरियों को जो जिन्ना साहब का विजन था जो अलामा इकबाल का तस्वर था कि ये पाकिस्तान बनने के बाद हम सब पाकिस्तानी हैं बराबर के शहरी हैं तो मेरे ख्याल में ये जो दो तरफा एक पेशकदमी है ये पाकिस्तान को ज्यादा मजबूत और इनलाइटेड बनाने में मददगार साबित। और एडवोकेसी के क्या मसाइल हैं आपके? हमसे भी कोई शिकायत होती है ना आपको, हम भी कोई इतनी तवज्जो नहीं देते, कभी आप आ जाते हैं हमारे पास, हमें ख्याल आ जाता है वजीर आजम चले गए, इमरान चले गए, बिलावल चले गए और लीडरान चले गए तो उनके साथ कैमरे चले जाते हैं, कैमरे वैसे आपके पास नहीं आते? नहीं सर, अब यह है कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें माइनॉरिटी डे का एक कंसेप्ट दिया गया था 11 अगस्त का, जो पे हर साल मनाया जाता है प्रेसिडेंट हाउस में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी, और नवाज शरीफ साहब ने भी इसको कंटिन्यू किया है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ये ऐसी दिवालियों पे, होलियों पे, ईद पे, बरात पे, जैसे सिंध का तो सूफी कल्चर रहा है ना सर, उधर तो हम मेले भी साथ करते हैं, मुहर्रम भी साथ करते हैं और सूफीज्म और कायदे आजम की जो विजन है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो 11 अगस्त का ख्वाब पाकिस्तान में सिटीजन्स के लिए कायदे आजम ने देखा था उस विजन को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पाकिस्तान में सब बराबर के शहरी हों, इक्वल राइट्स हों, इक्वल लॉज हों, ताकि हम खुशहाली से रह सकें। बराबरी का पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जहां पर हर रियासत का फर्द रियासत के फ़राइज को भी सही तरीके से समझ पाए और अपनी ड्यूटी सरंजाम दे पाए और रियासत जो उसको हकूक देती है उनका तहफ्फुज़ हो, इस बात से कतअ नज़र कि वो हिंदू है या सिख है, ईसाई है या किसी उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, ये कायदे आज़म के पाकिस्तान की बुनियाद है। एडिटोरियल कमेंट में बाकी है नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।